हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मेरे पास दो अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। नंबर वन, मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो पहले मेरे चैनल का नाम द मेगा कंपाउंडर था और अब चैनल का नाम द साइबर मैच शो है। तो मैंने अब ये कुछ ऑलरेडी यूट्यूब पे बैनर वगैरह चेंज कर दिया, तो आप लोगों को रियलाइज हो गया होगा, मगर मैं आपको रीज़न बताना चाहता था बिकॉज जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो जब मैंने नाम रखा था मेगा कंपाउंडर, तो उसका लॉजिक ये था कि मेरे को कंपाउंडिंग एज ए प्रोसेस में बहुत बिलीफ है एंड ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है। एंड कंपाउंडिंग एसेंशियली फाइनेंशियल वर्ल्ड में काफ़ी नोन है। एसेंशियली आप छोटे छोटे पैसे को आप इकट्ठा करते रहेंगे थोड़ा अमाउंट को, तो विद टाइम इट ग्रोज वेरी वेल। एंड अब लोग रियलाइज नहीं करते सारी चीज़ें कंपाउंडिंग हर लाइफ के एस्पेक्ट में अप्लाई करती है। जैसे अगर आप रोज़ वॉक करेंगे तो आपको फिट रहेंगे, रोज़ कंट्रोल खाना खाएंगे फिट रहेंगे, रोज़ पढ़ाई करेंगे तो आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो कंपाउंडिंग हर जगह प्ले करती है और इसलिए मेगा कंपाउंडिंग का नाम आया था। तो ये तो नाम की स्टोरी है। कॉन्सेप्ट उसका, ऑब्जेक्टिव चैनल का ये था कि मैं क्योंकि टेक वर्ल्ड से हूँ, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्टीज है मेरा, तो मैं लोगों से शेयर करना चाहता था कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, ताकि लोग नई जो जनरेशन है वो अडॉप्ट करे टेक्नोलॉजी को, एज ए करियर ले, अपने एजुकेशन में वैसे अलाइनमेंट करें। ठीक है, और ये मेरा एसेंशली वे तरीका था टू गिव बैक टू सोसाइटी, बिकॉज मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि हमारी जो जॉब्स हैं उनके लिए इट हैज चेंज द वे आर कंट्री फंक्शंस एसेंशली द टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, तो मैं ये कंटेंट बनाना चालू कर दिया और कुछ एपिसोड्स के बाद मेरे बेटा जो ऐसा डिस्कशन हो रहा था, उसने कहा पापा ये जो मेगा कंपाउंडर जो नाम है ना, वो और आपका जो ऑडियंस है वो डिफरेंट है। तो हम लोग डिस्कशन करते रहे, मुझे उसकी बात अच्छी लगी। ही इज 12 ईयर्स ओल्ड। उसने कहा कि आप नाम सिंपल रखिए, जो बोलने में आसान हो समझने में आसान हो, तो इसलिए उसने ये नाम सोचा। उसका नाम है साइबर मैन शो और एसेंशली क्योंकि ये साइबर के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो साइबर मैन शो मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो मैंने इसलिए वो नाम चेंज करने का सोचा, विच आई थिंक मेक्स लॉट ऑफ सेंस। मैंने कुछ दोस्तों से भी कंसल्ट किया तो दे ऑल्सो अग्रीड। तो दैट्स द फर्स्ट अनाउंसमेंट। सो माई अपॉलॉजीज अगर आपको कंटेंट कुछ पुराना मिलेगा मेगा कंपाउंडर के बारे में, तो आई ट्राई टू चेंज इट, इफ नॉट प्लीज एक्सेप्ट दिस चेंज। एंड थोड़ा मैं क्योंकि यूट्यूब पे बैनर आर्ट वगैरह चेंज करूंगा, तो माइट फाइंड सम इंस्टेंसेस ऑफ मेगा कंपाउंडर। आई ट्राई टू चेंज इट एज मच एज आई कैन, बट इफ आई कांट प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज। जो दूसरा अनाउंसमेंट है कि वो मैंने इसका जो ऑडियो फॉर्मेट है इस चैनल का, वो ऑडियो कंटेंट है वो एज अ पॉडकास्ट रिलीज कर रहा हूँ। स्पॉटिफाई और अमेजोन पे ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। मैं एप्पल और गूगल पॉडकास्ट पर भी ट्राई कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि यूट्यूब कम लोग प्रेफर करते हैं टेक्निकल कंटेंट मेरे हिसाब से, और पॉडकास्ट मोड में ज़्यादा आसान है उसको लिसनर, लोग गाड़ी चलाते हुए भी सुन सकते हैं, कहीं बैठे बैठे भी सुन सकते हैं आपको, डेटा कंज्यूम कम करता है वो, राइट? तो इसलिए ये चैनल आप इसी नाम से द साइबर मैन शो के नाम से सर्च कर सकते हैं और आपको ऑडियो कंटेंट मिलेगा ऑन दीज। तो विद दैट थैंक यू सो मच। कुछ आपको मिस्टेक्स लगे तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब एडिटिंग ऑडियो एडिटिंग नहीं है, मेरा भांजा जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो आई एम लर्निंग, मेरा बेटा हेल्प कर रहा है, आई एम लर्निंग, राइट? हम लोग आमतौर पर अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि हमें ये सब सीखने का मौका नहीं मिलता, बट आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, सो आई एम ऑल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स। सो विद दैट थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।